जहां साहूवाला पेट्रोलिंग पोस्ट ने कार्रवाई करते हुए तीन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मकदार में नाजायज असलाह मंशियात और दीगर मसरूखा बरामद किया गया है। थाना समरियाल पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां साहूवाला पेट्रोलिंग पोस्ट ने कार्रवाई करते हुए तीन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मकदार में नाजायज असलाह मुंशियात व दीगर मसरूखा बरामद किया गया है। थाना समरियाल पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास से। जी मियां इलियास, अपडेट कीजिएगा। जी, SSP पेट्रोलिंग वसीम डार और DSP पेट्रोलिंग सियालकोट इरफान उल हक सलहरिया की जेर निगरानी हाल ही में तैनात होने और गलोटिया मोड़ से जरैम का खात्मा करके आने वाले पोस्ट इंचार्ज साहूवाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यासर महबूब ने अपनी टीम के हमराह कार्रवाई करते हुए दुराने नाकाबंदी मुलजम जाबर हुसैन सकना लैया के कब्जा से 200 बोर राइफल और मुलजम हयात के कब्जा से 12 बोर राइफल और भारी मकदार में गोलियां और मुलजम जहेब के कब्जा से भारी मकदार में शराब बरामद करके तीनों मुलजमान के खिलाफ थाना समरियाल में अलहदा मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। DSP पेट्रोलिंग सियालकोट इरफान उल हक सलहरिया का कहना था कि जरैम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मिलियास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।